देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है सामने, अगर हम बात करें कि चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई को रखने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यानी जैसे मान लिया ये कोई चुंबक है, ऐसा समझ के चले आप मेरे पास ये कोई चुंबक थी यहाँ पर, और चुंबक के चारों के क्षेत्र बन गया, और इसके अंदर मैंने निडल को यहाँ रखा, सुई को यहाँ रखा, तो क्या इसके ऊपर कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा। फिर मैंने सुई को थोड़ा और आगे ले गया, क्या कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जैसे सुई को मैं चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रख दूंगा तो तुरंत ये कौन चिपका लेगा? चुंबक इसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी यानी उठ करके इसके ऊपर चिपक जाएगी। ये इसमें बात बताई गई, और इसी को कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। नोट में एक बात लिखी गई है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, याद रखेंगे आप सी इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, पर इसको यहाँ भी आप एक बार स्टडी करें, ठीक। चलिए इससे आगे की बात को देखते हैं। अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। देखें जरा सामने स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ गया होगा, और क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, इसको बोलते हैं चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक, विमा और मान बताइए। तो देखिए स्क्रीन पर आपको एक बात दिखाई दे रही है क्या, कि म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷, है ना, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर है। तो यहां से आपको म्यू नॉट चाहिए, तो अपॉन में जो 4π उसको उधर पहुंचा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट 4π×10⁻⁷, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यहां से अगर इसकी यूनिट बात करें तो यूनिट आ गए न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, तो ये तो आ गया इसका मान। और अगर मैं मात्रक की बात करूं दोस्तों, तो मात्रक कितना आ जाएगा, बोलो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यही तो है इसका, क्लियर है। और अगर विमा की बात आए तो न्यूटन की विमा क्या होती है, देखो सामने लिखी हुई है MLT-2 और नीचे एम्पियर का कितना होता है a, तो MLT-2/a² आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी को ऊपर को ले जाएंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, सॉरी a स्क्वायर कटेगा कुछ नहीं, a स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे आप, और एक और कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला MLT-2a-2। ये विमीय फॉर्मूले को आपको, जो विमीय सूत्र है इनको डायरेक्टली याद नहीं करना है, ये निकालने आपको आने चाहिए, क्लियर बात समझ में। कोई भी बच्चा मेरे हाथ जोड़ के विनती है, इनको रटने का काम नहीं करेगा, क्लियर है। एक क्लास में इसके लिए बना दूंगा जिसमें छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा दूँ, जिससे विमीय सूत्र निकालना, समाकलन करना, अवकलन करना, ठीक है दोस्तों। चलो तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक बात और कह रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियोज रेगुलर देख रहे हैं वो ग्रुप में जरूर ऐड हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें केवल मैं ही मैसेज करता हूँ, बाकी फालतू की कोई चर्चा नहीं होगी। तो याद रखिए 9634519461 पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ ग्रुप में ऐड कर लिए जाएंगे, और आप कौन सी स्टेट से आ रहे हैं ये भी हमको लिख करके जरूर भेजिए। हमारा देखो एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए, समझ में आ रही है बात या नहीं, क्लियर बात याद रहेगी। चलिए देखते हैं आगे, इतना क्लियर हो गया, अब अगला पॉइंट आप देखते हैं। देखिए यार अगला पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट देखो स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन की म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताइए। भाई म्यू नॉट हमने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र में, और एप्सिलॉन नॉट हमने कहाँ पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 हमने विद्युत क्षेत्र व्यक्तिकी वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो देखो अगर मैं म्यू नॉट की बात, देखो अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कूलम्ब के नियम में 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी, 9×10⁻¹, क्लियर। और यहाँ पर कितनी आई है, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻¹। हमको क्या क्या चाहिए, एक तो हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए और एक म्यू नॉट चाहिए, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। तो देखिए स्क्रीन पर पूरा सॉल्व मैंने कर रखा है, यहाँ पर एक बार फिर दोबारा देख लेंगे आप। तो सबसे पहले 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/9×10⁻¹ आ गई, उसकी इक्वेशन नंबर 1 आपने बना दिया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन बन गई म्यू नॉट अपॉन 4π 10⁻¹। उसके बाद दोनों इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट में होगी और राइट की मल्टीप्लाई राइट में, ठीक। देखिए जरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π से 4π कैंसिल हो गया और क्या बच गया आपका, म्यू नॉट एप्सिलॉन, क्लियर। ऐसे दूसरी साइड जब मल्टीप्लाई किया आपने तो ऊपर 10⁻¹ आ, जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा,
और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो अपॉन में कितना हो गया दोस्तों 9 इंटू 10 की पावर 16। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 10 की 8 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, 0 एप्सिलॉन रो दिखाई दे रहा स्क्रीन पर, और ये c इंटू 10 की पावर 8 c होता है, तो यहाँ म्यूरो एप्सिलॉन रो का जो संबंध है वो क्या आ गया 1 अपॉन c स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है, इसका स्क्वायर को घर भेजोगे तो आप स्क्वायर से लिख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इसको जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से आप चीजों को समझ सकते हो। देखो अब आ जाते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और बहुत ध्यान से समझेंगे आप क्वेश्चन, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, और वहां से आप इन चीजों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करें तो देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ जाता है और स्क्रीन पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, दो सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आया। देखो स्क्रीन पर आप देखेंगे निम्न चित्र में, ये डायग्राम भी मैं आपको बना देता हूँ, इस तरीके का डायग्राम, ये तार है और इस तार को देखना सब जाओ क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, निम्न चित्र में सीधे हमने तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में, ये तार आ रहा था ऊपर से इसको बीच में से मोड़ दिया, फिर तार इस तरीके से सीधा हो गया, मोड़ा जाता है यदि 8 एम्पियर की धारा I बराबर कितना देगा दोस्तों 8 एम्पियर, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलो जी और त्रिज्या कितने लिए होने अगर मैं बात करूं, त्रिज्या लिए होने कितने 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 1 मीटर। तो लूप के केंद्र C क्या है, इसका केंद्र O नहीं है, ये C दिया, तो लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए, B का मान दिशा ज्ञात कीजिए। 2008 और 2006 में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद भी आए हैं 2014 के आसपास भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्लियर बात समझ में आ पा रही है, ठीक है भैया। तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ जरा, देखिएगा स्क्रीन पर भाई हमें एक बात पता है, अपना सी पर बात करो, सी पर तीव्रता, अगर मैं सी पर तीव्रता निकालता हूं तो बी, अब यहां से डायरेक्ट देखेंगे भाई, एक तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा सी के ऊपर है ना, और एक लूप के कारण आएगा, तो एक चुंबकीय क्षेत्र तो लूप के कारण आएगा और एक चुंबकीय क्षेत्र तार के कारण आएगा, इसको लिख सकते हैं आप सीधा तार। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहा है मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। मान तो हम इनके निकाल लिए हैं, लेकिन मान निकालने से पहले हमको ये देखना है कि क्या इन दोनों की दिशा एक ही है, अगर इन दोनों की दिशा एक है तो जोड़ देंगे, अगर अलग अलग है तो घटा देंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता मुझे है ना। देखो जरा अगर मैं लूप का फॉर्मूला लगाऊं तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर, और तार का फॉर्मूला लगाता हूं तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, याद रखना सीधा तार है तो पाई आएगा, लूप है तो नहीं आएगा, क्लियर। अब आगे देखो जरा, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, मतलब एफ बी, बी से मैंने आपको बताया था, और कैसे निकालेंगे, अंगूठा एक साइड रहेगा, सारी अंगुली एक साइड रहेगी, पहले देखो लूप के कारण अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी तार के कारण निकाल, तार कैसे जाएगा ऊपर, चलो जी अंगूठा ऐसा हो गया, अंगुली किस तरफ रहेगी, जिस तरफ दिशा निकालनी हो, सी के ऊपर निकालनी है दिशा तो ऐसे रहेगी, पांव को जाता है अंदर की तरफ, तो बी की दिशा कैसी है बोलो,
भीतर की ओर, और अगर लूप के कारण दिशा निकालनी हो, मान लीजिए पॉइंट मैंने लिख दिया इसका पांच, समझ लो इसमें आई एम्पियर धारा है। अब देखो इस लूप के कारण आपको सी के ऊपर दिशा निकालनी, तो ऐसे रखोगे कि नहीं रखोगे बोलो, अरे करंट ऊपर हुआ तो अंगूठा ऊपर रहेगा, और सी की तरफ दिशा निकालनी तो उंगली मेरे बाहर की तरफ आ रही तो उसकी दिशा क्या रहेगी बोलो, बाहर की तरफ। तो एक दिशा अंदर जा रही है तो बाहर जा रही है, समझ रहे हो भाई, एक दिशा तो अंदर की तरफ को जा रही है और एक बाहर की तरफ को आ रही है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। अब देखो यहां से म्यू नॉट अपॉन टू और क्या क्या जाएगा बाहर, आई अपॉन आर, अंदर क्या बचेगा बोलो वन माइनस, यहां से आएगा वन अपॉन पाई, क्लियर है बी बराबर। अब देखो जी यहां से क्या क्या वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन टू की वैल्यू, भाई मुझे एक बात का पता है कि म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्या होता है, मैंने बताया था टेन टू पावर माइनस सेवन, लेकिन आपको क्या चाहिए म्यू नॉट अपॉन टू तो चाहिए भाई, ये कितना है पाई भी उधर चला गया दो भी उधर चला गया, टेन की पावर माइनस सेवन, चार को लिख सकते हो ना दो गुणा दो, एक दो उधर चला गया पाई भी चला गया तो ये बचा, तो यहां से कितना है टू पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन, पाई की वैल्यू बोलो कितनी आठ एम्पियर और आर की वैल्यू कितनी बोलो टेन की पावर माइनस वन, यहां से आ गया पाई माइनस वन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गए तो बी इक्वल टू बोलो आठ उन्नीस सोलह बोलो दस की घात, ये माइनस का ऊपर गया प्लस हो गया तो सात में से गया माइनस का छह, और ये थ्री पॉइंट वन फोर माइनस वन, थ्री पॉइंट वन में से क्या तो लिखना होता है टू पॉइंट वन, और उसके आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कर सकते हैं कि इतनी बात क्लियर। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे जल्दी से जरा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये भी अच्छा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है देखेंगे, मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूं, आप इतने क्वेश्चन को रीड करें, ये लो जी एक तार को ऊपर को जा रहा है जिसमें आई वन धारा है, और एक तार इधर को जा रहा है जिसमें आई टू धारा है, वो बोलता है दो अनंत लंबे विद्युत वोल्टेज तार परस्पर लंबवत रखें, ये लो जी लंबवत रख दिया आपने, एक में धारा आई वन दो एम्पियर और दूसरे में धारा 1.5 एम्पियर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा यहां पर एक बिंदु P है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए, इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है और इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही बात, तो देखो जरा अगर मैं बिंदु P पर बात करता हूं, बी पी बराबर एक चुंबकीय क्षेत्र पहले तार से बनेगा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र दूसरे तार से, भाई तार अगर पहले तार के कारण मैं इसके ऊपर निकालता हूं, बताओ इस तार से पी तक की दूरी कितनी है बोलो, चार सेंटीमीटर दिख रहा है सभी को, और इस दूसरे तार से कितनी दूरी है तीन सेंटीमीटर, तो ये आर के मान होंगे, बोलो बी बराबर कितना होता है म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन अपॉन आर वन, यहां भी बोलो म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई टू अपॉन आर टू, ये आर टू का मान है और ये आर वन का मान, पहले तार के कारण आर वन दूसरे के कारण ये दूसरा तार है और ये पहला तार है, याद रखिएगा ठीक है भैया, क्लियर है, चलो दिशा निकालो उसी हिसाब से प्लस माइनस साइन, पहले तार के कारण लगाओ पी के ऊपर जरा भी अंदर को, समझ में आ रही बात, और ऊपर तार के कारण कैसे करोगे ऐसे करोगे भाई, अंगूठा इस तरफ करना है जिस तरफ का धारा जल जा रही है ये लो, और अंगुलियां कहा रहे हैं बोलो नीचे की तरफ को, क्योंकि नीचे बिंदु पी है दिख रहा है सबको, तो ये यहां से भी अंदर जा रहा है और यहां से भी अंदर जा रहा है, तो दोनों की दिशा अंदर की तरफ तो एक जैसा आ जाएगा, बस दिशा कैसी दोनों की भीतर की, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको याद रखने के, तो बी पी बराबर मेरा डबल टू पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा बोलो आई वन अपन आर वन प्लस आई टू अपन आर टू, म्यूनोट अपन टू पाई की वैल्यू फिर दोबारा बताओ, मैंने बताया था म्यूनोट अपन फोर पाई की वैल्यू टेन की पावर माइनस सेवन,
आपको mu root upon 2 pi चाहिए, तो एक काम करो, दो दो चार दो को उधर रखो, 2 into 10 की पावर माइनस 7 आ गया, रखो आप बोलो भैया I1 कितना है 2 एम्पियर और R1 कितना है नीचे बोलो 4 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर माइनस 2 आ गया। I2 बोलो कितना है 1.5 एम्पियर और R2 कितना बोलो 3 10 की पावर माइनस 2 आ गया। क्लियर है सबको? चलो 10 की पावर 2 इसमें भी और इसमें भी बाहर ले लें, चलो जी 10 की पावर माइनस 2 बार आ गया, तो BP बराबर कितना आ गया 2 × 10 की पावर, फिर 2 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, 7 में से 2 गए तो माइनस 5, ठीक है भैया। इसका एलसीएम ले लो, 4 की 12 ये आ जाएगा और 4 की 12 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 4 और 15 चौक 60 6 60 का मतलब पॉइंट कट गया ना, तो ये कितनी बार कटेगा इसे बोलो 2 6 12 और ये 10 की तो माइनस 5 और 6 और 6 12 बटे कितना आ गया 6 और 6 दूनी 12 यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। ये क्या गया सब दोनों की दिशा अंदर की तरफ कहा जाएगा लंबवत भीतर की परिणामी की दिशा। क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है भैया? इतनी बात चलिए इससे आगे कुछ और क्वेश्चन में इसके बताता हूँ आपको, इसका इतना क्लियर हो गया होगा आपको, देखना जरा भैया कुछ क्वेश्चन इससे आगे के देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर में डायरेक्ट इससे भी लिख लो और आपको समझ में आ पा रहे नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मूल कारण बताइए, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था, देखो जब भी कोई पार्टिकल रुका हुआ हो तो वो बनाता है केवल ई, लेकिन जब कोई पार्टिकल मूवमेंट में हो तो वो ई भी बनाता है और बी भी, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी और वैद्युत क्षेत्र दोनों बनाता है जब वो उसमें वेग हो, लेकिन जब वेग ना हो तो केवल क्या बनाएगा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आवेशित कण की गति है ना या धारा का प्रभाव, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है, ये कारण काफी इंपोर्टेंट है इनको आप ध्यान रखें एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, चुंबक के द्वारा, धारावाहिक चालक के द्वारा, गतिमान आवेश के द्वारा और वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के द्वारा, इन चारों से कोई भी कारण हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने का। अगला क्वेश्चन आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र में दूरी में ग्राफ बी और आर में ग्राफ बनाना, और हमको पता है बी बराबर क्या होता है म्यूरेट अपन टू पाई आई अपन आर, यानी बी जो होता है वो वृत्त कर्मानुपाती होता है आर के, और ग्राफ आपके सामने आपको दिखाई दे पा रहा है एक्स एक्सिस पर आर है और वाई पर बी है, इस तरीके से ग्राफ आप बना देंगे वृत्त कर्मानुपाती का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्वेस्टर रखे हुए रहेंगे, क्वेश्चन याद रख रहा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं और मेरी टीम आप लोगों के साथ कर रही है ना दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और नहीं कर सकता, लेकिन आप एक बात समझिए आप और भी चैनल देखिए और उसके बाद कंपैरिजन कीजिए हमारे चैनल का, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत की कामयाबी तभी बुलंदी पर पहुंचेगी बच्चों जब आप लोग ध्यान रखना इसको अच्छे से देखोगे अपनी अपने इसको स्टडी में जोड़ोगे हमारे इस चैनल को NYA को फिजिक्स के रूप में अपनी लाइफ में ऐड करोगे, ठीक है। चलिए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आखिरी सवाल आज का, जब एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो प्रोटॉन का पथ होता है, देखो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव पार्टिकल, अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कोई धनावेश कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो धनावेश भी हो सकता है प्रोटॉन भी हो सकता है या कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में एक बात समझेंगे आप, पहला पार्ट दे रखा है अगर क्षेत्र के समांतर, अगर क्षेत्र के समांतर एंटर करेगा धनावेश कण तब उसका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय है सीधा चला जाएगा। यदि वो नंबर दो पार्ट क्षेत्र के लंबवत आता है जैसा कि मैंने पढ़ा था वृत्ताकार सॉरी रिजु रेखीय चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण गति करता है तो गोल गोल घूमता है तो याद रखना वृत्ताकार, और तीसरा है यदि किसी कोण के साथ आता है तो कोण के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है वो कुंडली में उत्पन्न हो जाता है, किस पर हो जाता है कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात याद रहेगी यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है इतनी बात। चलिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर करा देता हूँ आपको, ये दो तीन छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है जो कई बार आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बिंदु ए पर इलेक्ट्रॉन का वेग, ये देखो ये ए है और ये बी है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ये चल करके यहां पर आया और 10 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, और 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेग 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड है, ज्ञात कीजिए नंबर एक उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण में दिशा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ए से बी तक अर्धवृत्त के पथ पर जाएगा,
और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया ए से बी तक जाने में इलेक्ट्रॉन द्वारा किए गए कार्य आपको बताना है। सबसे पहले आर बराबर के पथ पर बताना और बी आपको बताना है। तो मुझे पता है आर बराबर क्या होता है दोस्तों, एमवी अपॉन बी क्यूब, तो मैंने लगा दिया देखो स्क्रीन पर, और यहां से मैंने बी निकाला, बी बराबर क्या आ गया एमवी अपॉन क्यू इंटू आर। एम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9×10⁻³¹ होता है, वेग दे रखा है 10⁻⁷, क्यू दे रखा है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻¹, आर दे रखी है त्रिज्या, और बताना है ये पूरा का पूरा वृत्त है, ये केंद्र होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बोलो, इतनी 5×10⁻²⁰ मीटर होगी त्रिज्या के नहीं, और ये इसका काम करेगी, आर का काम करेगी, मैंने इसमें लगा दिया और यहाँ से फॉर्मूला और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से FBI से जब आप इसके अंदर लगाएंगे तो दिशा कहाँ जाएगी, लंबवत नीचे की ओर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य आपको बताना, आ रही बात समझ में आ रही, क्लियर है इतनी बात, तो इसको भी आप क्वेश्चन के अंदर लगा लेंगे, ठीक है। ये गलत हो गया क्वेश्चन, ये कार्य नहीं है, इसको ठीक कर लेगा, मैं PDF में सही करा दूंगा। इसमें पूछा गया कि ए से बी तक जाने में इलेक्ट्रॉन को लिया गया समय, कार्य नहीं पूछा है तो कार्य का तो मतलब ही नहीं है, समय पूछा है उसने, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, और अर्धवृत्त में तय की गई दूरी क्या होती है बोला जाए, भाई समय बराबर क्या होता है, मैं बोलूंगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना चलाइए भाई, पूरे में 2πr, तो आधे में कितना चलेगा πr, और v कितना है 10⁻⁷, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रख देंगे, जैसे कि मैंने करता है सॉल्व इसमें 3.14, आर की वैल्यू 5×10⁻², और नीचे आ जाएगा वी 10⁷। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है जी। और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, हालांकि आगे भी आ गए, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। देखो याद रखना, अगर मैं बात करूं, एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी कण पर लगने वाला बल एफ बराबर बी क्यूब साइन थीटा होता है, वो भी लॉरेंज बल का एक प्रकार है, लेकिन फिक्स लॉरेंज बल क्या होता है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहाँ वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न है, तो कण पर कार्य करने वाले परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं, और दोनों ही बल आप यहाँ पर जोड़ देंगे, जैसे स्क्रीन पर एफ बराबर अगर वैद्युत क्षेत्र जोड़ो तो क्या हो जाएगा ई इंटू क्यू, और चुंबकीय क्षेत्र की बात है तो क्या हो जाएगा बी क्यू बी साइन थीटा हटा देंगे, तो पूरे कंबाइंड फॉर्मूले को क्या बोलेंगे लॉरेंज बल बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बात आपको, क्लियर इतनी बात, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से हमारी क्लास समझ में आई होगी, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं अब प्रीवियस ईयर में, तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे, और आगे के क्वेश्चंस आने वाले कैसे होंगे हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण तैयारी के साथ आपको फिजिक्स का ऐसा समझ लें कि प्रोफेसर ही बना करके भेजेंगे, ठीक है। बस उम्मीद मत छोड़ना और हमारा साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी मेहनत की जा रही है वो सब मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ही के लिए, आप ही से हम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने यारों दोस्तों पंटर लोगों में इसके बारे में बात कीजिए, और हमें बनाइए हीरो। जय हिंद।